आपने सांचे बारा बैठे और बारा ले जाती हमें आपका इस मकसद से यहाँ आपने सर के यहाँ 75 मीलों की खेती होती थी अल्लाह ताला ने आपने सर को हर तरह का माल दौलत और औलाद अता की थी इनकी दुआ कबूल करे आपने सर अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार और खैर खैरात करने वाले थे इबादत इतनी करते थे कि फरिश्तों में भी आपने सर की शर्त होगी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के कितने बड़े शुक्रगुजार हैं आप अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी और आप अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी से शैतान हसद में भर गया और कहा ऐ रब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी का मैं कायल नहीं क्योंकि वो मालदार है गरीबी में इबादत करेगा तब मैं समझूंगा कि वो शुक्रगुजार है मुझे उनके मौत पर अख्तियार दे हुक्म हुआ जा तुझको अख्तियार दिया शैतान ने अपने तमाम सफाइयों का जमा किया और सबसे अपनी अपनी ताकत बयान करने को कहा सबने अपनी अपनी ताकत बयान की पर किसी की ताकत को पसंद नहीं किया फिर इनमें से एक सफाई ने कहा कि मैं जमीन से आग की चंगारियां और छल निकाल सकता हूँ शैतान ने कहा जो काम मैं चाहता हूँ वो तेरे ही बस का है तू इसी वक्त जा और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम जानवर जला दे इसने जाकर एक ऐसी भूख मारी कि जमीन से आग के चंगारे निकल पड़े और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम जानवर भेड़ बकरी ऊंट वगैरह सब जल कर राख हो गए फिर शैतान एक नौकर की सूरत में आप अलैहिस्सलाम के पास गए कहने लगे हजरत तुम जिस खुदा की इबादत करते हो उसने आसमान से आग भेजी और तुम्हारे तमाम जानवर जला दिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है वही सब चीजों का मालिक है जब चाहे दे दे और जब चाहे ले ले शैतान ने इस जवाब और अस्तकबल को सुनकर शैतान इस अस्तकबल हो गए फिर अपने सिपाही को कहा कि फिर अपने सिपाही थे जला दिए फिर आप अलैहिस्सलाम के पास गए कहने लगे हजरत तुम जिस खुदा की इबादत करते हो इससे तुम्हारे तमाम अनाज के खेत जला दिए अब तुमको चाहे कि अल्लाह की इबादत छोड़ दो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि सब तारीफ है और खूबियां उसी के लिए है वही सब चीजों का मालिक है जब चाहे ले ले और जब चाहे दे दे और फरमाया ए यकीनन शायद की तो शैतान है तू ही बेशक दुश्मनी इंसान है शैतान सुनकर की तरफ से शैतान को कहा गया तो अल्लाह ताला से कहा कि मुझे इनके औलाद पर अख्तियार दे मैं इनकी शुक्रगुजारी तब जानूंगा जब इनका दिल इनके औलाद से जख्मी हो मुझे इनके औलाद पर अख्तियार दे हुक्म हुआ जा तुझको अख्तियार दिया इसने एक वक्त जाकर मुकाम को अलर्ट दिया और तमाम लड़के लड़कियां दब कर मर गई फिर शैतान ये दुख भरा काम करके आप अलैहिस्सलाम के पास गए कहने लगे हजरत तुम जिस खुदा की इबादत करते हो उसने तुम्हारे तमाम माल व औलाद को गर्क व बर्बाद कर दिया तो ये दुआ देने वाली सुनकर आप अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ है अल्लाह ही के लिए है वही सब चीजों का मालिक है वही मेरी जान और मेरी औलाद का मालिक है जब चाहे ले ले और जब चाहे दे दे अल्लाह ताला की तरफ से शैतान को कहा गया ए यकीन है ना भी तुझे आया यकीन सबर व शुक्र का हिस्सा नहीं शैतान ने कहा
ऐसी फूंक मारी कि बदन में जल आई होगी और बदबू पैदा हो गई की वजह से नाखन ले रहे। फिर किसी लकड़ी से खोजते यहाँ तक कि जिस्म बदन का तमाम गोश्त फट गया और खून और भी बहना शुरू हो गया। कीड़े काटते तो आप दर्द की तकलीफ से फुरमाते या रबी यानी मेरे पाले वाले आने वाला के तरफ से जवाब आता लाई बुकाया इबादी लाई बुकाया इबादी यारे मैं तेरे पास हूँ मैं तेरे पास हूँ। आप अलैहिस्सलाम ये जवाब सुन कर अलैहिस्सलाम ये जवाब खुश होते और दर्द की तकलीफ को भूल जाते। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र करने की तौफीक दे।